आज हम लोग देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। The acid insoluble pellet also has polysaccharides or carbohydrates as another class of macromolecules. तो आप यहाँ देखे थे, आप जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सेल एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस, ये आपका इनसॉल्युबल पार्ट था, ये आपका सॉल्युबल पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल में आपको पॉलीसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड्स होते क्या है, पॉली मतलब मेनी, पॉलीमर है ये इसका, सुगर्स का, सैकेराइड्स यानी सुगर्स। सो पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ सुगर्स, सो दे आर थ्रेड्स, literally a cotton thread containing different monosaccharides as building blocks. ये monomer हो गया, ठीक है। तो many monomers repeat करेंगे तो क्या बनेगा, polymer बनेगा, polymer बनेगा, ठीक है। तो monomer, then they will form polymer. ये क्या है आपका polysaccharide, polymer है, किसका, monomer का, monomer क्या है, monosaccharides, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया आपका सेल्यूलोज जो कि प्लांट में मिल रहा है आपको, हाँ। तो ये क्या है, पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन इसमें जो मोनोमर है वो ग्लूकोज, ठीक है। क्योंकि एक ही तरह का मोनोमर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। सो सेल्यूलोज इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर, होमो मतलब सेम, पॉलीमर मतलब पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो होमो मतलब एक ही तरह का रिपीटिंग यूनिट है यहाँ, तो ग्लूकोज ही रिपीट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका स्टार्च, so starch is a variant of this but present as a storehouse of energy in plant tissues, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज है आपका एनिमल टिश्यूज में स्टोर होता है आपका, उसी तरह स्टार्च जो है वो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है प्लांट, ठीक है। तो प्लांट ग्लूकोज इसको आप बोल सकते हो। सो एनिमल्स हैव अनदर वेरियंट कॉल ग्लाइकोजन, ठीक है। सो इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, समझ में आई बात, इनुलिन इसका पॉलीमर है फ्रुक्टोज का, मतलब फ्रुक्टोज आपका ज्वाइन कर रहा है और आपका इनुलिन बन रहा है। यहां देखिए बहुत सारी चीजें आ गई, सेल्यूलोज आ गया, ठीक है, सेल्यूलोज आ गया जिसमें ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्च आ गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्लाइकोजन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका इनुलिन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपके कितने पॉलीसेकेराइड्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सो इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में आपका यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये जो राइट साइड के तरफ आपका जो एंड है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे, मतलब रिड्यूस किया जा सकता है वो, और लेफ्ट साइड की तरफ है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ठीक है। सो इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब आपके ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो स्टार्च होता है इट फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। So starch can hold iodine molecules in these helical structures. So जब आप starch में iodine color डालते हो तो वो क्या होता है, ये जो secondary structures है helical secondary structures उसमें वो फंस जाता है iodine, तो वो क्या दिखेगा, blue color का दिखेगा, ठीक है। लेकिन cellulose में ऐसा कोई complex secondary structure नहीं होता, इसलिए वो iodine को hold नहीं करेगा। अभी इस तरीके से अब आप समझिए, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके का हमने बनाया इसको। अब ये आपका स्ट्रक्चर, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है वो स्टार्च में है, ठीक है, ग्लाइको सेल्यूलोज में नहीं है, स्टार्च में है, सेल्यूलोज में नहीं है। तो जब आप आयोडीन इसमें ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो वायलेट कलर का होता है, अभी जाइएगा तो फंस जाएगा इस स्ट्रक्चर में। तो जो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो आपको ब्लू कलर दिखेगा, क्योंकि ये आयोडीन क्या हुआ, स्टार्च के इस तरह के सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर में जाके फंस जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, फंस जाता है। तो वो क्या होगा, कलर जो होगा वो दिखेगा, बट आयोडीन और सेल्यूलोज में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसका तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो इट कैनॉट होल्ड आयोडीन। सो इफ इट कैनॉट होल्ड आयोडीन तो इसका कलर ब्लू नहीं दिखना चाहिए, सिंपल है। तो स्ट्रक्चर से आपको पता लगा सकते हैं कि क्या वो कलर होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। यहां से हम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टार्च जो है, स्टार्च और आयोडीन वो ब्लू कलर का होता है, बट सेल्यूलोज आयोडीन ब्लू कलर का नहीं होता है, क्योंकि आयोडीन उसके स्ट्रक्चर में फंसेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ही उस तरह का। समझ में आई बात यहां तक? तो दो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, पहला तो ये सब जो है किसका मोनोमर है इनके, ठीक है, जैसे इनुलिन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है, उसके बाद स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या अंतर है, ठीक है, एक एनिमल ग्लूकोज है, एक प्लांट ग्लूकोज है, ठीक है, सेल्यूलोज पॉलीमेरिक ग्लूकोज है, उसके बाद स्टार्च आयोडीन का कलर क्या होता है, सेल्यूलोज आयोडीन का कलर क्या होता है, और वो क्यों कलर होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है, बिकॉज देयर इज बेसिक डिफरेंस इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बीच। तो ये पार्ट आपको समझ में आया, ये पैराग्राफ पॉलीसेकेराइड का? हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये जो कार्टून में आपका ये जो ब्लॉक है उसको एक्सपैंड करके दिखाया है कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बार बार आपको पढ़ाया जा रहा है, आप याद भी कर चुके होंगे। तो जो पेपर पे हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो कहाँ से आता है, ट्री से आता है, तो प्लांट पल्प से आता है, ठीक है, वो भी क्या है, सेल्यूलोज है। जो कॉटन का कपड़ा पहनते हो, कॉटन फाइबर, वो भी क्या है, सेल्यूलोज है, ठीक है। सो देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर, ठीक है, सो दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, ये सब भी मौजूद है आपके पास, ठीक है, शुगर्स मॉडिफाइड विद अमीनो ग्रुप्स, अमीनो शुगर्स हो गया। उसके बाद दूसरे और ऐसे जैसे ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, गैलेक्टोजामीन, ठीक है, नाग नाम, म्यूरामिक एसिड, तो ये सब आपको एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, नाग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, तो ये आप सेल वॉल बैक्टीरिया में पढ़े थे, आप नाग और नाम, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, मॉडिफाइड शुगर्स, ठीक है। So, exoskeleton of arthropods, for example, has a complex polysaccharide called chitin. बार बार आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ते हैं। तो ये जो chitin है आपका, जो कि fungal cell wall में भी मौजूद है, fungal cell wall, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, और arthropod के exoskeleton में भी मौजूद है chitin। तो ये basically है क्या, एक complex polysaccharide है, ठीक है। And these complex polysaccharides are mostly homopolymers, मतलब एक ही यूनिट होता है, मोनोमर एक ही तरह का होता है, one type of monomer. Glucose है तो glucose, इस type से fructose है तो fructose, ठीक है। यहां पे आपको समझ में आ गया कि plant cell wall cellulose का है, fungal cellulose chitin का है, arthropod का exoskeleton chitin है, ठीक है, ये सब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड बेसिकली होमोपॉलीमर्स होते हैं। उसके बाद कुछ मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, गैलेक्टोजामीन, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक?
हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूक्लिक एसिड्स। द अदर टाइप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब आपको फिर से वही डायग्राम पे जाते हैं। ये जो इनसॉल्युबल पार्ट था, चूंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आप न्यूक्लिक एसिड भी आपको मिलेगा। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पेलेट का पार्ट रहेगा वो। सो दीज आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। इनके मोनोमर्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स वो आप पढ़े थे, बेस सुगर प्लस फॉस्फेट, बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट इज अ न्यूक्लियोटाइड, ये आप पढ़े थे। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस, सुगर ऐड कीजिए न्यूक्लियोसाइड बनेगा, फॉस्फेट ऐड कीजिए न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, सो टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दीज कॉम्प्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। तो ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन कौन कौन सा हो गया आपके पास? पॉलीपेप्टाइड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया और पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। लिपिड्स ट्रू नहीं है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स। वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कॉम्पाउंड विच इज अ बेस, नाइट्रोजिनस बेस। द सेकेंड वन इज अ मोनोसेक्राइड विच इज अ सुगर एंड द थर्ड वन इज अ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट विच इज पी। तो बी प्लस एस प्लस पी विल गिव यू न्यूक्लियोटाइड, और बी प्लस एस क्या देता है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके। एज यू नोटिस इन फिगर 9.1 द हेट्रोसाइक्लिक कॉम्पाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजिनस बेसिस, और ये नाइट्रोजिनस बेसिस हम लोग डिस्कस किए थे, एडिनिन होता है, गुआनिन होता है, यूरासिल होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको क्या लिखे थे याद करने के लिए? एजी कट। तो नाइट्रोजिनस बेसिस में ये प्यूरिन्स हो गए, इनको बोलते हैं एजी को, एडिनिन गुआनिन को बोलते हैं प्यूरिन्स, और कट हो गया आपका पाइरिमिडिन्स। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। सो एडिनिन एंड गुआनिन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स व्हाइल द रेस्ट CUT आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड पाइरिमिडिन्स। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन रेस्पेक्टिवली, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो सुगर है फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैन आइदर बी राइबोस सुगर, ठीक है, विच इज अ मोनोसैकेराइड पेंटोज, और टू प्राइम डीऑक्सीराइबोस सुगर। ठीक है, सो अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस सुगर को हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और जिसमें राइबोस सुगर मौजूद होगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दो तरीके का हो गया, डीएनए, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब उसमें जो सुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, इस नाम से वही पता चल रहा है मेरे, इसमें जो सुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है सेकेंड प्राइम पोजीशन, और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, यही दोनों में यही अंतर है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में, समझ में आई बात यहां पे? हेलो, यस सर। ठीक है, एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड पार्ट होता है डीएनए आरएनए, दैट इज पार्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन विच इज फाउंड इन दी क्या बोलेंगे इसको, एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, और इसका मोनोमर क्या होगा? इसका मोनोमर होगा आपका न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड क्या
क्या चीज का बना होता है, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होंगे उसके, तो एक नाइट्रोजिनस बेस होगा और फिर शुगर होगा और फिर फॉस्फेट होगा, ठीक है। बेस और शुगर को हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, उसमें जब फॉस्फेट जुट जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड होगा। अभी नाइट्रोजिनस बेसिस हम लोग देखे थे कि नाइट्रोजिनस बेसिस में क्या क्या आता है, तो प्यूरिन्स आता है, पाइरिमिडिन्स आता है। प्यूरिन्स में कौन कौन होते हैं, तो एडिनिन और गुआनिन होते हैं। पाइरिमिडिन्स में साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन होगा। अब दो तरह के आपको न्यूक्लिक एसिड्स मिल सकते हैं, डीएनए और आरएनए। तो इनमें जो बेसिकली अंतर क्या है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहां पे आपको यही चीज समझना है, समझ में आ रही है बात? हेलो, यस, ठीक है। तो अब आपसे मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा, बट अगर हम कॉमन फीचर की बात करें तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए क्या है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, समझ में आई बात। डीएनए का मेजर रोल जो होता है वो हेरिडिटी में होता है, कहने का मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट तक वो पहुंचाएगा, मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी। जबकि आरएनए का काम क्या है, तो बहुत सारा काम कर सकता है, ठीक है। एंजाइम का काम करता है, जैसे कि राइबोजाइम हो गया, ठीक है। तो राइबोजाइम में ये आप 12th में पढ़िएगा, तो राइबोजाइम में ये क्या करेगा, आपको एंजाइम का काम कर सकता है राइबोजाइम, ठीक है। और ये बहुत सारे के तरह के डीएनए आरएनए आपको मिलेंगे, मैसेंजर आरएनए मिलेंगे, एमआरएनए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको राइबोसोमल आरएनए मिलेगा, सबका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए मिलेगा, फिर उसके बाद आपको ट्रांसफर आरएनए मिलेगा, ठीक है। इन सबके अपने अपने फंक्शन है जो कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, समझ में आई बात। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आरएनए चूंकि डोमिनेट करता है, तो दैट थियरी इज कॉल्ड आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, मतलब पहले आरएनए आया उसके बाद डीएनए, ठीक है। तो दैट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। अगेन ये भी आपका 12th का सिलेबस है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। तो वहां जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ये सब जो चीज हम यहाँ लिख रहे हैं अभी फिलहाल, समझ में आई बोल। तो स्ट्रक्चर वाइज हम आपको बता चुके हैं कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है, तो ये चीज आपको समझ। फंक्शन वाइज हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब जहां तक स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो डीएनए जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात अगर आप करें तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इन दोनों न्यूक्लिक एसिड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइप्स। तो चार पांच तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड का बेसिक चीज समझ में आया, क्योंकि ये आपको 12th में पढ़ना है, समझ में आई बात। हेलो, यस, हेलो, ओके, ठीक है। हम लोग अब आगे चलते हैं, प्रोटीन्स हम लोगों ने पढ़ा था, अमीनो एसिड्स। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। So proteins as mentioned earlier are heteropolymers. Hetero मतलब they will contain different kind of constituents. जो monomers होंगे वो अलग अलग होंगे, तो different monomers हम यहाँ लिख सकते हैं। Homo का मतलब क्या है, same monomers. Hetero का मतलब क्या है, different monomers. So
so they are heteropolymers. ठीक है, इनकेस अगर अभी बिजली कट जाए तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिएगा। हालांकि हम इसको क्या करते हैं कि फोन से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पानी पड़ रहा है तो बिजली कटने की संभावनाएं हैं। ठीक है, सो प्रोटीन्स क्या है? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट मोनोमर। तो ये है क्या? बेसिकली दे कंटेन स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स। कहने का मतलब, अब अमीनो एसिड आपने पढ़ा था, सिस्टीन, वेलाइन, ठीक है, तो हम मान लेते हैं उसका स्ट्रिंग्स, ये ग्लाइसिन हो गया, ये जुटा एलानाइन से, ये वेलाइन से, ये ल्यूसिन से, ये आइसोल्यूसिन से, ये मेथियोनिन से, ठीक है, तो हम इसको जोड़ दिए, स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड्स हो गया। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब स्ट्रक्चर का मतलब, अलग अलग साइंटिस्ट के दिमाग में अलग अलग चीजें आती हैं, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तब स्ट्रक्चर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का मतलब हो गया। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे हम टू डायमेंशनल व्यू ले सकते हैं, थ्री डायमेंशनल व्यू ले सकते हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंजीन हो गया, तो बेंजीन में हम लोग बोलेंगे इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेप्थलीन, तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, तो फिजिसिस्ट दे कंज्यूर ऑफ द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। इसी को वो 3D स्ट्रक्चर में इमेजिन करेगा फिजिक्स। ठीक है, 3D व्यू, थ्री डिमेंशनल व्यू। और बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे? दे विल डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट फोर लेवल्स स्ट्रक्चर फंक्शन कोरिलेशनशिप के साथ। ठीक है, तो आप देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट क्या सोचता है स्ट्रक्चर का मतलब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट क्या सोचता है, फिजिसिस्ट क्या सोचता है, फाइनली बायोलॉजिस्ट क्या सोचता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझना है जो अमीनो एसिड है उसका सीक्वेंस आपको देखना। जैसे हमने यहाँ गैबलिम लिख दिया, एक ग्लाइसिन पहला अमीनो एसिड है, तो दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड। उसी तरह एलानाइन मैंने दूसरा अमीनो एसिड लिख दिया, वेलाइन तीसरा लिख दिया, ल्यूसिन चौथा लिख दिया, ठीक है, आइसोल्यूसिन पांचवा लिख दिया, मेथियोनिन छठा लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका चेन है। सो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ये क्या है? सीक्वेंस है, और सीक्वेंस से आपको पता चल रहा है क्या? पोजीशन। सो इट गिव्स यू द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन कि कौन सा अमीनो एसिड किस नंबर पे है। सो दिस इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन, पोजीशन बता रहा है। अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज नेम द अमीनो एसिड एट नंबर टू, तो आप आराम से देख के बता सकते हैं कि एलानाइन। ये कहलाता है पोजीशनल इंफॉर्मेशन। समझ में आई बात? मतलब किस नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड मौजूद है। ठीक है, कहने का मतलब विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, विच इज द सेकेंड, विच इज थर्ड, विच इज फोर्थ एंड सो ऑन। तो जब आपको ये पोजिशनल इन्फो पता होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम वन लिखते हैं और ऊपर एक डिग्री का साइन देते हैं, इसका मतलब भी प्राइमरी होता है। ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको क्या पता चलेगा? पोजिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा अमीनो एसिड का। ठीक है, अब इसी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शरी बनेगा, फिर क्वार्टरनरी बनेगा, टू डिग्री, थ्री डिग्री एंड फोर डिग्री। ठीक है, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब आपको समझ में आ गया? हेलो, हाँ, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। ठीक है, the left end is represented by the first amino acid,
and the right hand is represented by the last amino acid. तो अब मान लेते ये है प्रोटीन, यहां पे आपका फर्स्ट अमीनो एसिड है और यहाँ पे आपका लास्ट अमीनो एसिड है. फर्स्ट एंड लास्ट अमीनो एसिड, तो हम ए ए लिख देंगे अमीनो एसिड का मतलब. तो फर्स्ट अमीनो एसिड, लास्ट अमीनो एसिड, ठीक है. The first amino acid is also called the N-terminal amino acid. अब यहाँ क्या है आपका, नाइट्रोजन है, तो ये इसको हम लोग N-terminal बोलेंगे. And the last amino acid is called the C-terminal amino acid. ये हो गया मेरा C-terminal amino acid. ठीक है, तो लेफ्ट एंड N है, राइट C है. A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. अभी प्रोटीन जो थ्रेड हम बात बोल रहे हैं, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं होता. कहने का मतलब वो ऐसी फोल्डिंग भी हो सकती है आपकी, ऐसा भी हो सकता है. समझ में आ रही है बात, स्ट्रेट लाइन हो तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, फोल्डिंग होगा, जैसे जैसे आप फोल्डिंग बढ़ाइएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो वो हेलिक्स के फॉर्म में आएगा. ठीक है, अब ये जैसे हेलिक्स के फॉर्म में आया, मतलब आप सोचिए ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टेयर केस है ये घूमता हुआ. ठीक है, so the thread is folded in the form of a helix which is similar to a revolving staircase. तो आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा सीढ़ी मिलता है. so of course only some portions of the protein thread are arranged in the form of a helix. कहने का मतलब मान लीजिए ऐसा है, उसके बाद ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा प्रोटीन उस फॉर्म में नहीं हो, बट कुछ फॉर्म हो सकते हैं कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आ सकती है हेलिकल फॉर्म में. ठीक है, सो इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंड हेलिक्स इज फॉर्म. ठीक है, तो राइट टर्न की बात हम कर रहे हैं ऐसे ऐसे. ठीक है, लेफ्ट टर्न की बात करेंगे तो ऐसे ऐसे. समझ में आ रही है बात, तो राइट हैंड हेलिक्स, लेफ्ट हैंड हेलिक्स. तो प्रोटीन्स में हमको जो दिखेगा राइट हैंड हेलिक्स दिख रहा है. ठीक है, so the regions of the protein thread that are folded in such forms is called secondary structure. तो जहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रेट लाइन है थ्रेड, these are primary structure, but ये सेकेंडरी है क्योंकि यहाँ स्टेयरकेस मोल्ड में फोल्डेड है. ठीक है, तो these protein threads are, they are folded. ठीक है, helical form है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, secondary structure. ठीक है, in addition the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball. ठीक है, so this gives rise to the tertiary structure and it will give us a three dimensional view of a protein. So tertiary structure is absolutely necessary for the biological activity of the protein. ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया आपका. ठीक है, तो ये जो पूरा का प्रोटीन चेन है आपस में भी फोल्डेड हो सकता है ना, पूरा का पूरा, मतलब मान लीजिए आप इस टाइप से समझिए कि ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, उनका गोला आप देखे ही होंगे, हाँ, वुलन बॉल, उस तरीके से फोल्डिंग हो सकती है. ठीक है, उनका गोला अगर आप देखे होंगे तो इमेजिन कीजिए प्रोटीन की फोल्डिंग अगर उस फॉर्म में है तो वो थ्री डिग्री स्ट्रक्चर है. तो दिस इज द थ्री डिग्री स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर. और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, आपके प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल व्यू देगा. थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, ये एक्स वाई जेड. ठीक है, तो आपको डेप्थ भी पता चल रहा है अपार्ट फ्रॉम टू डी डायमेंशन. ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर हो गया, एंड दिस 3D स्ट्रक्चर विल डिटरमाइन द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी. तो ये आपका बायो एक्टिविटी शो करेगा, एक फंक्शनल प्रोटीन का निशानी है ये, बायो एक्टिविटी. ठीक है, सो दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर इज वेरी रेस्पॉन्सिबल फॉर, इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. तो बायो एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये. समझ में आ रही है बात, अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्राइमरी सेकेंडरी.
अब यहाँ पे देखिए यही चीज आपको समझाया गया है फिगर 9.3 में। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ पोर्शन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोटीन, तो पहले आपने लिया सेरीन लिया, फिर सिस्टीन लिया, फिर टायरोसिन लिया, फिर ग्लूटामिन, ठीक है, इस टाइप से आप ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यही आपका ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट एंड है दैट इज एंड टर्मिनल, और यहाँ पे देखिए सी टर्मिनल, ठीक है, इस तरीके से ये प्राइमरी है। अब आइए नेक्स्ट वाला डायग्राम में आइए, ये कार्टून में देखिए, ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर जो आपका है हेलिक्स, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, तो देखिए हेलिक्स के फॉर्म में है ये, तो दिस इज 2 डिग्री स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आइए इसी को और मल्टीपल अपने ऊपर रोल कर लिया, तो दिस इज वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस इज 3 डिग्री स्ट्रक्चर, ठीक है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है आपका प्रोटीन का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन था वो आपका 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री में आपको 3 डायमेंशनल व्यू मिल रहा है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिल रही है, ठीक है, तो बायो एक्टिविटी मिल रहा है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस स्ट्रक्चर की कहानी है, मतलब विच, तो आपको बताना है 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटी दे रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, इसके भी ऊपर आपका आएगा, तो सम प्रोटीन्स दे आर असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, ठीक है, तो ये तो एक पॉलीपेप्टाइड को हमने दिखाया, अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है, देन द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्पीयर्स और स्पीयर्स अरेंज्ड अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब प्लेट, ये आपका एनालॉजी है, ठीक है, तो दिस इज एनालॉजी, ठीक है, ये एनालॉजिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है कि आप जैसे कि स्पीयर्स का लीनियर स्ट्रिंग है, ये आपका स्पीयर आप लिया और आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, कर सकते हैं ना आप मार्बल को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, एक अरेंजमेंट है आपका, फिर स्पीयर्स अरेंज्ड अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब और पेलेट, ये आपका मान लेते हैं आपने ऐसा बनाया है स्ट्रक्चर, अब आप यहाँ आप ऐड कर रहे हैं स्पीयर्स को, एक के ऊपर एक स्पीयर आप रख सकते हैं, कहने का मतलब तो आप उसको अलग अलग शेप बना सकते हैं ना, एक के ऊपर एक रख के आप खेले होंगे पाइल ऑफ कॉइंस या मार्बल का गेम आप खेल के बनाए होंगे, तो ये है आपका, ये क्या है मल्टीपल सब यूनिट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, सो सच आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन और 4 डिग्री, ठीक है। तो जब तक हम एक पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, जब हम मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं, मल्टीपल सब यूनिट की बात करते हैं, तब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो 4 डिग्री या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अडल्ट हीमोग्लोबिन है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड है आपके, 4 सब यूनिट्स, जिसमें 2 एक दूसरे के ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, तो 2 अल्फा रहेगा सब यूनिट और 2 रहेगा बीटा, ठीक है, ये दोनों पॉलीपेप्टाइड एक तरह का है तो इसलिए अल्फा 2, ये दोनों एक तरह का है तो बीटा 2, तो टोटल 4 सब यूनिट्स है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, hence 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type together constitute the human hemoglobin which is 4 degree or quaternary structure, ठीक है। तो आपके पास आपने देखा हीमोग्लोबिन है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मायोग्लोबिन, MB से हम रिप्रेजेंट करते, ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन हो गया और ये मायोग्लोबिन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, समझ में आई बात? यस समझ में आ रहा है बात, तो यहाँ पे आपका क्या है ना, मल्टीपल सब यूनिट्स आप ले रहे हो, पॉलीपेप्टाइड एक से ज्यादा है तो आपको उसको
रिप्रेजेंट आप फोर्थ डिग्री या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में ही कर पाइए क्योंकि ज्यादा है। समझ में आई बात? हेलो, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, वन डिग्री का मतलब समझ में आ गया, टू डिग्री, थ्री डिग्री, फोर डिग्री। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बोल पूछ सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, फोर डिग्री, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई सवाल? सर, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब आप एक बार समझा सकते हैं? किसका मतलब? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटरोसाइक्लिक का मतलब हमने होमोसाइक्लिक और हेटरोसाइक्लिक का क्या मतलब कहा है? मान लिया अगर आपने ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है तो आप यहाँ पे देख रहे थे ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर में लोगों ने क्या किया है, यहाँ नाइट्रोजन इंक्लूड कर दिया है। कार्बन के अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर नाइट्रोजन सल्फर एड होता है साइकिल में तो उसको हम लोग हेटरोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे, और वो कंपाउंड हो गया तो कंपाउंड। ठीक है, आप जैसे प्यूरीन पायरिमिडिन में देखिएगा, आप नाइट्रोजन आपका इंक्लूडेड है तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन रहता है तो बात अलग है, बट नाइट्रोजन सल्फर कुछ भी घुस सकता है। समझ में आई बात? यस। अब यहाँ प्रोटीन स्ट्रक्चर में कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो आप जो होगा वो होता है फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने आप तो ये ऊन का गोला तो बनेगा नहीं, पहली बात, मतलब देयर शुड बी सम फोर्सेस इन ऑपरेशन। तो ये इंटरैक्शन फोर्सेस किस तरीके के हो सकते हैं? ठीक है, तो आपका जो इंटरैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो एच बॉन्ड हम उसको लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। उसके बाद दूसरे तरह का जो आपका हो सकता है वो है आपका आयन लेवल पे इंटरेक्शन हो सकता है, तो आयोनिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, आयोनिक इंटरेक्शंस, तो ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा इनका मतलब क्या होता है, लेकिन आयन्स के बीच में इंटरेक्शन को आयोनिक इंटरेक्शन बोलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है तो ये एक आयन है कटायन, और ये है आपका Cl माइनस। तो जब ये क्रिस्टल बनेगा तो इनके बीच में इंटरेक्शन है। ठीक है, समझ में आई बात? उसी तरह आपका तीसरा जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो आपका वैंडरवाल फोर्सेस हो सकता है। तो दीज आर वीक फोर्सेस। ठीक है, तो दीज आर वैंडरवाल इंटरेक्शंस। ये भी आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर शेप अप करने में मदद करेंगे। उसके बाद आपको एक चीज हम आपको क्या बताए थे, जब आप ये बता रहे थे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से अवे रहना, तो पैकिंग है ना, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, हाइड्रोफिलिक होगा तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो स्ट्रक्चर जो है उसको स्टेबल बनाने के लिए आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होना बेहद जरूरी है। तो ये चार तरह के इंटरेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ये चार तरह का इंटरेक्शन हो गया। अब इसके अलावा हम लोग कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। ये भी एग्जाम में पूछता है कि नेम द टेक्निक्स जिससे कि आप ये स्टडी करते हो। ठीक है, टेक्निक्स में सबसे पहले आपको याद रखना है एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, एक्सरे
क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो ब्रैग्स लॉ का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे आपका, ठीक है, वो भी आपको बाद में बताया जाएगा, एन लैम्डा 2t साइन थीटा। ठीक है, यहाँ टेक्निक बताया जा रहा है, तो टेक्निक याद रखिए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद एक होता है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये सब टेक्निक है जिसकी मदद से केमिस्ट लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमिन करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा उसको। ठीक है, उसके बाद आजकल एक ट्रेंड में आया हुआ है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब फ्रीज फ्रैक्चर बोलते हैं, फ्रीज करके लो टेम्परेचर पे आप उसको स्टडी करते हैं, तो क्रायो मतलब लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीका है जिससे कि आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन का क्रिस्टल्स बनाया जाता है, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि काफी सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ और चीजें भी पूछी जा सकती हैं एडवांस लेवल पे अगर क्वेश्चन बनता है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो आपको दिया गया है उसको फिर वो डिवाइड कर देंगे। तो दीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर अगेन ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा है, पूछने का है तो पूछ सकते हैं, अगर थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तब पूछेंगे ये सब। ठीक है, कि फोर्सेस क्या है, टेक्निक क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताइए। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर जो आपकी किताब ने लिखा हुआ है, और दूसरा होता है शीट टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट या बीटा शीट। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स या शीट टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो बीटा शीट। ठीक है, और ये आपको जो साइंटिस्ट इसको आइडिया को कंसीव किया था वो था लिनस पाउलिंग, जिसका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। ठीक है, कोलाजन और फिर डीएनए मॉडल के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे आप समझोगे, और दो बार नोबेल प्राइज भी जीता था यार। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ में आई बात। उसके बाद प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और चीज आपको बताया गया था, रामचंद्रन प्लॉट, जीएन रामचंद्र। ठीक है, आपको प्रोटीन प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको समझना है तो आपको क्या करना है, रामचंद्रन प्लॉट की मदद से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह का कॉन्फर्मेशंस अलाउड है, अल्फा हेलिक्स है कि बीटा शीट है, ये आपको बताया जा सकता। ठीक है, तो यहां पे अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते। एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो है कि जब टर्शरी स्ट्रक्चर बन रहा होता है तब एक स्पेशल टाइप ऑफ अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस आपके डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बनते हैं, मतलब सल्फर सल्फर के बीच में इंटरैक्शन होता है, तो दिस इज कॉल्ड डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आपको क्वार्टरनरी में तो हम आपको बोल ही दिए कि मल्टीपल यूनिट्स होंगे, तो उसको हम लोग मल्टीपल यूनिट्स को हम लोग टर्म देते हैं मल्टीमर्स। ठीक है, मल्टीमर्स। ठीक है, तो मल्टीमर है, मान लीजिए दो यूनिट है तो डाइमर बोलेंगे, तीन है यूनिट तो ट्राइमर बोलेंगे, टेट्रामर बोलेंगे, पेंटामर बोलेंगे, हेक्सामर बोलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे ये चार सब यूनिट है तो टेट्रामर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको समझना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं कि फोल्ड कैसे करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग, ये अगेन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। ठीक है, उसके बाद आता है ये प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होगी, उसके बाद इसको आप अंडरस्टैंड कैसे कीजिएगा, उसके बाद आता है प्रोटीन डीनेचुरेशन, मतलब आप इसको हीट करते हो या एसिड से ट्रीट करते हो, अल्कली से ट्रीट करते हो, आयोनिक कंसेंट्रेशन बदलते हो, तो प्रोटीन डीनेचर करता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है एंजाइम डीनेचुरेशन में समझाया जाता है 12th में, या इसी इसी चैप्टर में शायद सेकेंड हाफ में आपको जब एंजाइम पढ़ाया जाएगा तो हम बता देंगे। ठीक
ठीक है, प्रोटीन डीनेचुरेशन कैसा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आप ये, अगर मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है तो क्लास खत्म समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आज मेरे को यहीं तक पढ़ाना था, ठीक है, यहीं टॉपिक पर। तो कहने का मतलब है जब प्रोटीन डीनेचुरेशन की बात कर रहे हैं, तो जब आप हीट करते हैं मान लो, तो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से वो टूटेगा, तो 4 डिग्री से वो टूट के क्या चीज में आएगा, 3 डिग्री में आएगा, 3 डिग्री से टूट के क्या चीज में आएगा, 2 डिग्री में आएगा, और 2 डिग्री से क्या होगा, टूट के वो 1 डिग्री में आएगा, यही होगा, कॉम्प्लेक्सिटी घटेगी। अब ये 1 डिग्री पे, 1 डिग्री के नीचे तो कुछ है नहीं, तो दिस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लीनियर सीक्वेंस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इस तरीके के चीजें हैं जो आपसे यहाँ प्रोटीन्स में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में पूछा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड एरिया होता है बायोलॉजी में, प्रोटीन पढ़ना, प्रोटीन का प्रैक्टिस करना, प्रोटीन साइंटिस्ट बनना, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चीज भी है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी। अब चूंकि कंप्यूटर्स आ गया, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, अब क्या है, सुपर कंप्यूटर्स हैं आपके पास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो काफी हद तक हम लोग इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो काफी हद तक हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर कम समय में बना सकते हैं, बट पहले ये काफी अलग था। जैसे कि आज के डेट में गूगल का एआई माइंड है, जो डीप एआई, गूगल का डीप एआई जो है, डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप माइंड बोलते हैं इसको, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है। तो इसके वेबसाइट पे आप जाइएगा तो आप देखिएगा सारे प्रोटीन का, जितना भी अवेलेबल प्रोटीन है सबका वो स्ट्रक्चर डिड्यूस कर चुका है, ठीक है, जो कि आसान काम नहीं है, क्योंकि अब कंप्यूटर है तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यही है आपका चैप्टर प्रोटीन स्ट्रक्चर, समझ में आई बात। तो यहाँ आपको बेसिकली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री का मतलब समझना है, ठीक है, कि 1 डिग्री से क्या मतलब होता है, 2 डिग्री से क्या मतलब होता है, 3 डिग्री से क्या मतलब होता है, 4 डिग्री से क्या मतलब होता है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी ये लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपको बता देंगे ये चैप्टर जब खत्म होगा तब, एक आध न्यूमेरिकल हम शेयर कर सकते हैं यहाँ से, कि कैसे यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लिया ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन जुटा एलानाइन से, या सिंपल हम ग्लाइसिन जोड़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ग्लाइसिन 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 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब 2 ग्लाइसिन जुटता है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, क्योंकि दिस इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ये जुटा H2O निकला। इसका मतलब जब 20 ग्लाइसिन जुटा, दिस मींस 20 - 1 वाटर मॉलिक्यूल निकला, समझ में आ रही बात, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो अगर मान लेते हैं n अमाइनो एसिड्स, अगर आप सेम अमाइनो एसिड्स अगर आप जोड़ते हो, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो n - 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब 1 वाटर का वेट कितना है, 18, तो मान लिया यही 20 का हम लेंगे तो यहाँ कितना वेट घट गया मेरा, 19 × 18, और यहाँ ग्लाइसिन का एक मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हो, क्योंकि उसका फॉर्मूला आपका ग्लाइसिन का पता है आपको, C होता है, फिर इधर COH होता है, इधर NH2 होता है, ठीक है, और चूंकि ये इजी है तो इधर भी एच और इधर भी एच, तो आप आसानी से इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो, 12 × 2 = 14, 14 × 14 = 28, 28 × 2 = 26, ठीक है, 26 नहीं कितना हो गया, ये 12 और ये 14, 26, 26 × 4 = 30, 30 × 12 = 42, 42 और ये हो गया 43, 43 × 32 = 75, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 75 हो रहा है, ठीक है, 24 और 32,
हाँ तो 75 है, ये 20 × 75 हो गया। तो जो प्रोटीन बनेगा उसमें से आप ये 20 × 75 में से ये 19 × 18 घटाइएगा, वही ना मास बचेगा जो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। समझ में आ रही है बात? इस तरह के क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इफ 20 ग्लाइसिन यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन ये लोग बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैंने तो बताई अभी। हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बैटरी मेरा पूरा खत्म।